विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पारांडे ने ईसाई मिशनरी पर धर्म परिवर्तन करने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। साथ ही धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्रीय कानून बनाए जाने की मांग भी की गई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समाज पर अत्याचार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर संज्ञान लें। ईसाई मिशनरियों के जो षड्यंत्र बढ़े हैं, इसके लिए हम यह समझते हैं कि एक राष्ट्रीय समस्या है और इसलिए एक केंद्रीय कानून भी इसके लिए बनना चाहिए, धर्मांतरण के विरोध का। यह हमारी अपेक्षा है। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा अत्याचार का दौर हिंदू समाज के ऊपर चल रहा है। जो 29% से ऊपर हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में 1947 के बाद में थी, दुर्भाग्य से वह एकदम 1-2-3% से लगभग वह अभी बच गई है। विश्व हिंदू परिषद केंद्र सरकार को यह आह्वान करती है और हम लोग जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, यूनाइटेड नेशंस है, ह्यूमन राइट्स फोरम से विश्व स्तर के, इन सभी में इसके लिए दरवाजा खटखटाने वाले हैं, क्योंकि यह दूसरे देश का विषय है। समाज में जिस तरह की कमियां विगत अनेक वर्षों में अपने समाज के स्थिति से निर्माण हुई है, उनको दूर करने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया और वह आरक्षण कितने दिनों तक चलना चाहिए ये उन समाजों ने स्वयं ने सोचना चाहिए। यह तो संविधानकर्ताओं ने उसी समय कहा था कि आरक्षण यह परपेचुअल नहीं है, जब इसकी आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी तो इसको बंद कर देना चाहिए। मगर उसका निर्णय जो समाज स्वयं आरक्षण का लाभ ले रहे उनको भी इसके बारे में सोचने की आवश्यकता निश्चित